50 रुपए से जी, और पेपर को मेन है मेन सर उनको 35 रुपए हम लोग देते हैं जिससे कि उनका ज्यादा से ज्यादा पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान अरराज प्रखंड परिसर में पहुंचकर अमृत नीरा केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसे अरराज जीविका महिला उत्पादक समूह के तत्वावधान में बनाया गया है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त कमलेश कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जीविका जिला परियोजना प्रबंधक वरुण कुमार, प्रबंध परियोजना प्रबंधक राकेश कुमार, नीरा विशेषज्ञ अनिल कुमार, जीविका समूह की महिला ब्यूटी कुमारी, मुन्नी देवी, बबीता देवी, कसीरा खातून सहित कई लोग मौजूद रहे। और पेपर को मेन है मेन सर उनको 35 रुपए हम लोग देते हैं जिससे कि उनका ज्यादा से ज्यादा इनकम। उसको धुलाई कर दिए, धुलाई करने के बाद सुखा के और चूना लगा दिए और डीप फ्रीजर में हम लोग जितना देर जैसे आया उससे निकाल के यहाँ से सेल काउंटर से सेल कर। इसका सर हम लोग इसके साथ अन्य प्रोडक्ट्स आप सेल करेंगे नीरा के साथ। वहीं जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने बताया कि खनिज लवण से भरपूर स्वास्थ्यवर्धक ठंडा नीरा काफी लाभदायक होता है। इसमें कई खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर के लिए काफी लाभदायक है। साथ ही जीविका के कार्यों की काफी सराहना भी की। मौके पर जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने अमृत नीरा का लुत्फ भी उठाया। रिहैबिलिटेशन करने के लिए यह योजना बनाई गई है। आपने देखा है कि नीरा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट साइंटिफिकली जो है जीविका दीदियों के माध्यम से बेचा जा रहा है, उसमें जो है माइक्रो लोन जो है जीविका के माध्यम से दिया जा रहा है, उसमें उनका पीएच और ब्रिक्स जो है रेगुलर टेस्ट करते हैं जीविका की दीदियाँ। इस तरीके के जो हमारे टॉडी टैपर्स है उनके रिहैबिलिटेशन के लिए 19 केंद्र इस तरीके से बनाए गए हैं कि जहाँ पर ये सेल होगा और लगभग 300+ जो है यहाँ पे ये व्यक्ति जो है अत्यंत निर्धन व्यक्ति जो है इससे जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि न्यूट्रिशनल रिच और गरीबी का उन्मूलन ऐसे समुदाय में जो करने के लिए एक बहुत अच्छी योजना है। साथ ही में प्रयास ये रहेगा कि इसके साथ अन्य प्रोडक्ट्स भी ये लोग बेच सके जिसके कारण जो है ये एक सस्टेनेबल मॉडल बन सके। और जीविका पूर्वी चंपारण को मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि उन लोगों ने ये प्रयास जो है अरेराज में यहाँ पे शुरू किया है। थैंक यू। धन्यवाद। मोतिहारी से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।